नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राग एक्सप्रेस न्यूज। इस वक्त की खबर मध्य प्रदेश से। आपको बता दें, मध्य प्रदेश रीवा कृषि विभाग की खुली पोल, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर। जी हाँ, हनुमान तहसील के कृषि विभाग के अधिकारी काल्पनिक नाम रोशन पांडे पर लगा आरोप। बताया जाता है कि रोशन पांडे नामक अधिकारी कृषि विभाग में तैनात है। वहां के लोगों का आरोप है कि अब मजदूरी के पैसे नहीं देते, भूसा आया उसका भी निदान नहीं कर रहे हैं, अपनी मनमानी करते नजर आ रहे हैं, किसी को डर नहीं रहे। ऐसे ही मामला हनुमान के लोगों ने सफाई कर्मचारी पर भी आरोप लगाया। वार्ड नंबर 6 सगरा के लोगों ने आरोप लगाया, जो हनुमान तहसील में आता है, कि यहां पर सफाई नहीं होती है, जिसमें लंबी बीमारी का डर है। SDM महोदय को अवगत कराया गया, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। ऐसे में मध्य प्रदेश शासन को इस तहसील की तरफ ध्यान देना चाहिए और अधिकारियों की जांच कराकर कार्रवाई करने की मांग लोगों ने की है। प्राग एक्सप्रेस न्यूज चैनल से रोहिणी कुमार की स्पेशल रिपोर्ट। बने रहिए प्राग एक्सप्रेस न्यूज में, आपकी खबर हमारी नजर। सगरा खुर्द बाट कुमार 5 में रहने वाला हूँ। ठीक है, चलिए ये बताइए समस्या क्या बता रहे हैं। समस्या ये है कि हमारे बाड़ में सफाई नहीं होती है, सालों बीत जाते कभी झाड़ू लगाने वाले नहीं आते। और स्वयं मैं पूछा हूँ, सफाई कर्मचारी अधिकारी पूछा हूँ, तो उसने बोला कि आपके 5 बाड़ में सफाई कर्मचारी नहीं है। ये नाली इस तरीके की नाली, इससे भी रती रती नालियाँ हैं। DM साहब को अवगत कराया? मैं किसको अपडेट कराऊँ? किसी को अवगत नहीं कराया आपने? भाई बाढ़ हमारे जो प्रभारी है उनको बताया, मैं उनको सूचना दिया, कभी सफाई कर्मचारी वाले नहीं आते, नाली कभी साफ नहीं होती है। अब आप देख सकते हैं, आज जो है अनुमाना में मेरे सामने सोदिया जी खड़े हुए, उन्होंने क्या बताया, सबसे बड़ी लापरवाही जगह मिल रही है। लेकिन अनुमाना में ये जैसा बताया जा रहा है, ये रीवा जिले का अनुमाना आता है, जो ये अनुमाना में तहसील है, लेकिन यहाँ पर लापरवाही सामने नजर आ रही है। ये बताइए कि सामने कौन सा बताए आपकी दवाई? दो वार्ड नंबर 5 से है। वार्ड नंबर 5 से। क्या नाम बताया? भोला प्रसाद सोंधिया। देखिए हमारे सामने सोंधिया जी ने कितना अच्छा जवाब दिया। अब ये देखना है कि हमारे चैनल में न्यूज दिखाने के बाद इसकी सफाई होती है कि नहीं होती है। इसका भी जैसा कि हमको उच्च अधिकारियों द्वारा आदेश किया जाता है कि आप लोग फला जिले में जाइए, फला तहसील में जाइए और देखिए क्या कमी है। ये आज यहाँ पर उन्मना में ये कमी महसूस नजर आ रही है। दिखा सकता हूँ आपको अपने बाड़ी में, कई बार की बात। विमलेश कुशवाहा, कहाँ पर खड़े हैं आप? हम फार्म के गेट पे खड़े हुए हैं। कौन सा फार्म है? ये फार्म। अब बताइए क्या कह रहे हैं आप? इसमें सब रोसला पाड़े सब खा लेता, पियरा का पैसा सब रखे बेच लेता। रोसला पाड़े कौन है? ये अधिकारी है। कहाँ के? ये रीवा के है। अभी ब्लॉक में ड्यूटी करते हैं, फार्म में ड्यूटी करते हैं। ये सब बेच खा लेता यहाँ के। क्या बेच लेते? पियरा बेच ले, धान बेचा था, गेहूँ बेचा था, भूसा बेच लेता। आपका क्या नाम है? विमलेश कुशवाहा। कहाँ के रहने वाले हैं? अनमना। इससे पहले आपने किसी शिकायत की है? अब शिकायत क्या करें, हम देख रहा हूँ सब बेच खा लेते हैं यहाँ पे। अच्छा, तो अब क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं जब जो यहाँ पैसा दे उसका पियरा रखा हुआ है, इसका बोली नहीं करते हैं, सब चोरी चोरी बिछवा के अधिकारी बांट लेती है। कौन रोसला पाड़े जी? गेट की व्यवस्था कोई नहीं की? कोई व्यवस्था, गेट का है, गेट है, सब पैसा आता है, सब अधिकारी मिल के खाते हैं यहाँ। मीडिया में सामने ऐसा कुछ चुतिया बनाते हैं रोसला। रामू पटेल। कहाँ के रहने वाले? यही के सगरा का। ये क्या समस्या है आपकी? हमारे पास समस्या ये है, 2 साल अब हो गया काम किए हैं, हमके पैसा नहीं मिला। कहाँ पे काम किए? यही फार्म में लाइन लगाए हैं, धान काटे हैं। किसी अधिकारी से बताए आप? जी किसी अधिकारी से? अधिकारी से कहे, शिकायत किए ऑनलाइन, ऑनलाइन शिकायत किए थे, वो भी लोग बात कटवा दिए। अच्छा, रामू पाड़े सनोप? रामू पटेल। रामू पटेल सनोप जी? रामू पटेल सनोप। सनोप पिताजी का? पिताजी के, बेनी लाल पटेल। अब आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं हमारा पेमेंट मिल जाए। हो गया महीना काम किया है? साल भर। पाड़े कितना मिलता था? पाड़े कितना देते थे? अभी तो कुछ बताया नहीं। मजदूरी काम किया है? मजदूरी 250 मजदूरी पाड़े की।